नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि 22 दिसंबर यानी कि आज नया बैच प्रारंभ होने वाला है, जो कि स्टार्ट हो गया है। जो लोग व्यापम जैसे पटवारी, सहायक सम परीक्षक, रेलवे ग्रुप डी, छात्रावास अधीक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आ जाइए, आप सभी, क्लास स्टार्ट हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि सहायक सम परीक्षक में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्न। हर बार एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग क्लास में नए आ रहे हैं, इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस कर लीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न कहता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कि अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा होगा? आयुर्वेद इसका अशुद्ध होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा होगा? इसमें हंसी भी अशुद्ध होगा, सन्यासी और स्वयंवर शुद्ध हुआ है, ठीक है। देखिए, अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? रात्रि, दिन, शाम और दोपहर। तो इसमें अशुद्ध कौन सा होगा? अशुद्ध रात्रि होगा, ठीक है। ये दिन और शाम और दोपहर ये शुद्ध वर्तनी होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध कौन सा होगा? लौकिक, वाहिनी, मुकुंद, युधिष्ठिर। इसमें अशुद्ध कौन सा है? लौकिक अशुद्ध शब्द है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशुद्ध वर्तनी शब्द का फिर से चयन करना है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा होगा? रात्रि होगा, दिन होगा, शाम होगा, दोपहर होगा, कौन सा होगा? आप चलिए कमेंट में बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो कौन सा है? ऑप्शन में देख लेते हैं, गोवर्धन है, नित्यांगन है, अवनति है, अंतर्ध्यान है। तो इसमें अशुद्ध शब्द होगा गोवर्धन, बाकी सब शुद्ध शब्द है। जैसे नित्यांगन है, ये शुद्ध है, अवनति भी शुद्ध शब्द है, अंतर्ध्यान भी शुद्ध शब्द है, लेकिन गोवर्धन अशुद्ध शब्द है, ठीक है। अगर शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कर लेते हैं। प्रवर्तक, अंतर्गत, समृद्ध, वितान, तो कौन सा है इसका अशुद्ध शब्द? चलिए देख लेते हैं। तो इसका अशुद्ध शब्द होगा प्रवर्तक। शुद्ध शब्द ये सब देखिए, अंतर्गत, समृद्ध और वितान, ये क्या है? सब शुद्ध शब्द है। प्रवर्तक कैसे लिखा जाता है, चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार का लिखा जाता है। अगला प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? दर्शनीय, आशीर्वाद, उत्तीर्ण, मुहर्रम। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। पहले तो शुद्ध शब्द दर्शनी, ये तो सही है, आशीर्वाद भी सही है, उत्तीर्ण भी, ये भी सही है, लेकिन मुहर्रम गलत है। मुहर्रम कैसे लिखा जाता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से हमें अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करते हैं। सशक्तिकरण, लघु उत्तरीय, व्यावसायिक और स्वावलंबी। तो इसमें अशक्तिकरण या सशक्तिकरण जो भी लिखा है ना, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या है? लघु उत्तरीय, व्यावसायिक और स्वावलंबी, ये सब शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो इसमें उल्लू अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है, ऐसे इस प्रकार लिखा जाता है, ऊ, आधला, अल्लू। लू में बड़ी एक मात्रा लगाया जाए तो उल्लू हो जाएगा, ये शुद्ध रूप होगा, ठीक है, लेकिन अशुद्ध रूप उल्लू होगा। बी है इसका कबूतर, सी खरगोश और डी भेड़िया, ये सब शुद्ध रूप है। उल्लू को इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अशुद्ध रूप का चयन करना है, तो संपत्ति अशुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप कैसा लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, संपत्ति यानी कि छोटी ई की मात्रा लिखा जाएगा, संपत्ति, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो इसमें लंगूर अशुद्ध है। लंगूर में जो छोटी मात्रा लिखा है उसको बड़ी मात्रा करेंगे तब हो जाएगा लंगूर, ठीक है, तब सही होगा। लंगूर इस प्रकार लिखा जाता है। मूली शुद्ध रूप है, पपीता भी शुद्ध रूप है, नारियल भी शुद्ध रूप है, ओके। आज शाम 4 बजे से नया बैच प्रारंभ होने वाला है इसी चैनल पर, मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर पर। आज हम गणित और इंग्लिश सवाल देखेंगे, आज शाम 4 बजे से। जय हिंद दोस्तों।